हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर वेब प्रोग्रामिंग के इस फ्री कोर्स में, जहां हम बात कर रहे हैं सीएसएस के बारे में। कास्केडिंग स्टाइल शीट के कॉन्सेप्ट को भी हमने समझा, इनलाइन स्टाइल क्या होती है, ठीक है। सेकंड हमने देखा इंटरनल स्टाइल क्या होती है, एक्सटर्नल स्टाइल के कॉन्सेप्ट को अभी हमने बोर्ड पे थ्योरेटिकल समझा है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था कि ये सारे कॉन्सेप्ट जितना ज्यादा हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के साथ देखेंगे उतना बेटरली समझ में आएंगे। तो चलिए वन बाय वन सारी स्टाइल शीट्स को हम देखते हैं। सबसे पहले आज हम बात करते हैं इनलाइन स्टाइल शीट की, कि जहां पर हमारे पास एक स्टाइल एट्रीब्यूट्स है, ठीक है। तो किस तरीके से हम स्टाइल एट्रीब्यूट को यूज करेंगे, तो यहां पर सबसे पहले हम एक फर्स्ट फाइल क्रिएट करते हैं। सपोज मैंने लिख दिया टेस्ट सीएसएस 1.html, ओके। तो ये हमने हमारी एक सिंपल सी एचटीएमएल फाइल क्रिएट की है। और अब देखिए, मैंने आपको पहले भी बोला है कि मैं यहां पर वीएस कोड को यूज कर रहा हूं एज एन एडिटर, लेकिन आप किसी भी एडिटर को यूज कर सकते हैं एचटीएमएल के लिए। आप नेटबीन्स को यूज कर सकते हैं, आप वीएस कोड को यूज कर सकते हैं, आप नोटपैड को यूज कर सकते हैं, दैट इज योर चॉइस। लेकिन द बेस्ट एडिटर एज माय सजेशन इज यू कैन गो फॉर वीएस कोड, जो हम शुरू से यूज कर रहे हैं, ओके। तो यहां पर अब हमने सबसे पहले सिंपल एक एचटीएमएल का पेज बनाया। सिंपल वी नीड टू क्रिएट एन एचटीएमएल पेज, जहां पर हमने एचटीएमएल लिया। अब ये सारे बेसिक टैग हमने एचटीएमएल के पढ़े हैं, सो वी नो वेरी वेल अबाउट दिस टैग्स, ठीक है। देन वी विल गो फॉर टाइटल, और टाइटल में हमने दे दिया देन स्लैश टाइटल, ओके। और यहां पर हमने दे दिया सीएसएस डेमो फर्स्ट, ठीक है। एंड देन वी विल गो फॉर बॉडी टैग, और बॉडी के बाद हमने यूज किया स्लैश बॉडी। अब देखिए, मैं इसको मल्टीपल तरीके से अगर आपको बताऊं, तो यहां पर बॉडी टैग के साथ भी हम यूज कर सकते हैं, है ना। हियर वी आल्सो हैव एन स्टाइल ऑप्शन। स्टाइल में अगर मैंने बोल दिया बीजी कलर या बैकग्राउंड कलर, ठीक है, बैकग्राउंड कलर मान लो मैंने चेंज करके ये कर दिया, ओके। तो अब आप देखिए, जनरली जब मैं ये ऑप्शन नहीं लिखता हूं, हमने पढ़ा था इनलाइन, हमने पढ़ा है इंटरनल, हमने पढ़ा है एक्सटर्नल। फर्स्ट कॉन्सेप्ट अभी हम देख रहे हैं इनलाइन। इनलाइन का मैंने आपको बताया था मतलब कि यदि आपको इनलाइन सीएसएस को यूज करना है, तो टैग में देयर इज एन एट्रीब्यूट कॉल स्टाइल, देयर इज अ प्रॉपर्टी कॉल स्टाइल, एवरी टैग इज हैविंग दिस स्टाइल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए, अगर मैं अभी इसको रन करता हूं, सिंपल मैंने यहां पर अभी लिख दिया सपोज h1 एंड दिस इज स्लैश h1, और हमने इसके बीच में लिख दिया दिस इज डेमो पेज ऑफ सीएसएस, ठीक है। अभी सिंपल आप देखिए, और इसको मैं थोड़ा सा सेंटर में ले आते हैं हम लोग, ठीक। तो ये सेंटर टैग, और ये हमने लिख दिया स्लैश सेंटर, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं इसको रन करता हूं, रन इन डिफॉल्ट ब्राउजर, ओके। तो ये देखिए, अभी ये बिल्कुल सिंपल सा एक टेक्स्ट आ रहा है, दिस इज द डेमो पेज, बैकग्राउंड कलर आपका व्हाइट आ रहा है, ओके। तो यहां पर अगर मैं चाहता हूं कि मुझे बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो हियर वी कैन यूज स्टाइल। स्टाइल में हमने लिख दिया बीजी बैकग्राउंड कलर, एंड बैकग्राउंड कलर अगर मान लो मैं चेंज करके, सपोज मैंने इसको कर दिया एनीथिंग लाइट कलर ले लेता हूं, ठीक है। तो सी दिस वन, नाउ व्हेन आई शो दिस, ये देखिए, नाउ द कलर इज चेंज, राइट। नाउ दिस कलर इज सम डिफरेंट कलर, राइट, क्रीम कलर में आपका बैकग्राउंड कलर आ रहा है। सो दिस इज बिकॉज ऑफ दिस स्टाइल एट्रीब्यूट ऑफ बॉडी टैग, कि जहां पर हमने बॉडी टैग में स्टाइल एट्रीब्यूट के साथ बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी को सेट किया है। सिमिलर वे, अब आप देखिए, यहां पर अगर सपोज मैं एक फॉर्म क्रिएट करता हूं, है ना, इफ आई एम गोइंग टू क्रिएट अ फॉर्म, तो अभी हम जो बात करेंगे वो इनलाइन एट्रीब्यूट की करेंगे, रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। ये मैंने एक फॉर्म एट्रीब्यूट लिया, सॉरी फॉर्म टैग लिया, एंड देन हमने फिलहाल यहां लिख दिया एंटर यूजर नेम, ठीक है, एंटर यूजर नेम, ओके। एंड देन इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इक्वल टू टीएक्सटी यूजर, ओके। ये मेरा एक टेक्स्ट बॉक्स है, और नेक्स्ट लाइन पे हमने ले लिया सपोज एक बटन, जहां पर हमने सिंपली लिखा है इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, ठीक है, एंड देन नेम इक्वल टू, सॉरी वैल्यू इक्वल टू सबमिट, ठीक है। तो ये मेरा एक सबमिट बटन आ गया। नाउ दिस इज अ सिंपल पेज विच कंटेन वन टेक्स्ट बॉक्स, सी दिस वन। अब मुझे इसमें भी कुछ स्टाइल कलर चेंज करना है, ठीक है, तो इनलाइन को यूज करके हम ये काम कैसे करेंगे, सी दिस वन। यहां पर मैंने जो बटन है, मुझे बटन का कलर चेंज करना है, उसका फॉन्ट चेंज करना है, तो यहां पर हमने अगेन विल गो फॉर, और अभी आप देखिए जितने फॉन्ट कलर सबके हम इंडिविजुअल बात करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम बात कर रहे हैं हाउ टू यूज इनलाइन सीएसएस ऑप्शन, राइट, कि इनलाइन स्टाइल शीट को हम कैसे यूज करेंगे। तो अगेन आई विल गो टू दिस स्टाइल ऑप्शन, और यहां पर हमने यूज किया सपोज फॉन्ट, एंड सी दिस वन, फॉन्ट साइज मान लो मैंने फॉन्ट साइज कर दी 20,
ठीक है, एंड देन वी हैव एन अनदर ऑप्शन, मैंने लिख दिया कलर, ठीक है, कलर में आपने बोल दिया सपोज रेड, तो ये जो आपका बटन है, अब अगर आप इसका इफेक्ट देखेंगे, so now you will get this font size 20 color, even you have a font family also, अगर आपको font family change करना है, you can go for font family, आपको font family क्या रखना है, right, तो font family को भी हम change कर सकते हैं, मतलब font किस style में आपको रखना है, right, so let's see when I run this, तो आप इसका effect देखेंगे सीधे इस button पे, let's see, और अब अगर हम चाहते हैं कि सर मैं यहाँ जो type कर रहा हूँ, मुझे उसको भी option change करना है using inline, तो अब आपको I hope समझ में आ गया होगा कि जिस भी tag में आपको change करना है, just go to this tag and use style attribute. तो ये अभी हम initial concept केवल में अभी आपको ये बता रहा हूँ कि how to use inline style sheet. कि यदि आप CSS को use कर रहे हैं, then how to use inline style sheet, right? तो ये option I hope आप समझ पा रहे हैं कि हमने क्या किया? Input type equal to submit. एक बार फिर से देखिए style, font size 20, color red. ठीक है, this is how we can use this tag. इसको थोड़ा सा मैं इधर ले लेता हूँ, so that you can easily view this. आप इसको आसानी से देख सकते हैं. ये देखिए आप. ठीक है, तो ये अभी हमने यूज किया. अब सेम अगर मुझे यहां पर भी यूज करना है, कहां पे? टेक्स्ट बॉक्स में. तो यहां पर हमने, मैं स्टाइल शीट को थोड़ा सा इधर ले लेता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे. ठीक है, आई एम जस्ट यूज दिस स्टाइल हियर. इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, ठीक है, नेम इक्वल टू दिस. यहां पर आप बीच में भी यूज कर सकते हैं, मतलब इट इज नॉट नेसेसरी कि स्टाइल ऑलवेज यूज एट द एंड. यहां पर हमने फिर लिखा स्टाइल में फॉन्ट सपोज साइज, ठीक है, फॉन्ट साइज आपने कर दी यहाँ पे 15, एंड देन अगेन कलर, ठीक है, कलर में मैंने यहाँ पे कर दिया सपोज दिस ब्राउन. ठीक, अब यहाँ पर आप इस बॉक्स का इफेक्ट अगर देखेंगे, तो यू कैन फाइंड दिस दिस वन. अब इस बॉक्स पे आपको ये, आप ये देखिए आप, राइट, कि फॉन्ट स्टाइल चेंज हो गया, फॉन्ट साइज चेंज हो गई, कलर चेंज हो गया. अगर मैं इसको थोड़ा सा 25 कर देता हूँ, तो आपको थोड़ा सा इफेक्ट और प्रॉपर दिखेगा. This one. ये देखिए आप, automatically text box change हो गया. So this is how we can apply this tag. ठीक है, कि ये भी हमने जो tag use करें, एक बार फिर से आप देखें, input type equal to text and then style equal to. Style में आपको double quotes में जो भी style change करने है, you have to write the name of the style, colon, value of the style. ठीक है, then another, जो भी आपको property change करनी है, color, colon, and then next value. So in this way we can write the style using inline CSS. कि अगर आप particular tag में ही change करना चाह रहे हैं, अरे समझ बच्चे, अगर आप particular tag में ही change करना चाह रहे हैं, so that this is an option style. लेकिन आप एक चीज देख रहे हैं, जो मैं बार बार आपको ये बता रहा हूँ, कि यदि मान लो मुझे same effect, ठीक है, मान लो मैंने यहाँ भी brown लिया, यहाँ भी brown लिया, ठीक है, मुझे एक जैसा effect रखना है, ठीक है, यहाँ भी आपने color 20 लिया, यहाँ भी आपने font size 25 लिया, ठीक, कलर यहाँ भी सेम लिया, तो आपको बार 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 बार, मान लो अगर मैं यहाँ पर एक और इनपुट टेक्स्ट लेता हूँ, ठीक है, अगेन आई एम गोइंग टू टेक वन अदर इनपुट, इनपुट टाइप इक्वल टू सपोज, सॉरी, ये मैंने यूजर नेम की जगह सपोज यहाँ पर ले लिया एंटर, ठीक है, दिस इज बी आर, एंटर पासवर्ड, ठीक है, अब पासवर्ड के लिए भी मुझे यही इफेक्ट देना है, तो अगेन एंड अगेन टाइप इक्वल टू पासवर्ड, ओके स्टाइल. अब आप देख रहे हैं मुझे बार बार स्टाइल 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 यूज करना पड़ रहा है. So this is what the limitation, कि अगर आप multiple time same content चाह रहे हैं, तो again and again you have to use style, 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 तब जाके आपको ये style के effect देखेंगे. ये देखिए आप, ये आपका user ID, ये आपका password, and this is submit button. So this is, no doubt this is a little bit tedious task, कि आप एक ही text को, अगर एक ही style को आप बार बार use कर रहे हैं, और आप देखिए अगर आपका form, suppose करो 100 lines of code है, तो maximum time you have to use this style, 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 style. So this is what the drawback of style, मतलब inline CSS. कि अगर आप inline style sheet को use करते हैं, then this is one of the drawback. You have to write again and again and again. So how to resolve this problem? तो हम यहाँ पे बात करेंगे internal style की. हमने तीन types से देखा था CSS के option, cascading style sheet. We can apply in three way: inline, internal, external. तो first step में अभी हमने ये देखा कि how to use inline. और इसमें भी अभी जो मैंने ऑप्शन बताए, डोंट वरी, इनके इंडिविजुअल वीडियो में बताएंगे, केवल फॉन्ट के लिए, देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी के लिए, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ प्रॉपर्टी. आप देखें यहां पर, अगर आप देखें, तो देयर आर लॉट ऑफ प्रॉपर्टी इन दिस स्टाइल. कि फॉन्ट की ही बात करें, तो देयर आर लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज आर देयर. ठीक है, तो इस तरीके से आप देखिए, तो ये सारी प्रॉपर्टी को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, पर पहली स्टेप में हमें केवल ये समझना था कि हाउ टू यूज दिस स्टाइल सीएसएस. कि अगर आप स्टाइल को यूज करते हैं इनलाइन फॉर्म में, सो हाउ वी कैन यूज इट. तो आई होप कॉन्सेप्ट आप समझ पा रहे हैं, एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, सीएसएस
इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. मैंने आपको बोला था HTML में आइस ऑन द केक का काम करता है CSS. यदि आपको अपने पेज को लुक एंड फील देना है, थोड़ा सा ग्राफिकल के साथ बनाना है, थोड़ा सा एनिमेटेड बनाना है, थोड़ा यूजर फ्रेंडली बनाना है, इंटरेक्टिव पेज बनाना है, तो द बेस्ट ऑप्शन यू शुड गो फॉर CSS कॉन्सेप्ट. तो ये अभी हमने केवल स्टार्टिंग की है. एक बार तीनों कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर वन बाय वन हम इसकी सारी प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं. तो आई होप वीडियो आपको समझ में आया है, पसंद आया है कि किस तरीके से हम इस स्टाइल शीट को यूज करेंगे. ठीक है, हाउ टू यूज दिस स्टाइल. ठीक, एक बार फिर आप देख लीजिए ये हमारे स्टाइल प्रॉपर्टीज. ठीक, हाउ यू कैन यूज दिस. तो यदि वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर करिए और बने रहिए इस कोर्स में, क्योंकि आप देख रहे हैं अभी तो शुरुआत है. अभी तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट CSS के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. तो बने रहिए, समझते रहिए और प्रैक्टिकल करते रहिए, ताकि चीजें आसानी से समझ में आ जाए. ठीक है, तो चलिए मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में ऐसी ही स्टाइल शीट के कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ. सिंपल है, आपको भी बताएं कि अभी हम इनलाइन की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट होगा हमारा इंटरनल CSS और उसके बाद हम बात करेंगे एक्सटर्नल CSS. ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.